हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, हिस्ट्री के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को ध्यान से और अंत देखिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो का जो PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आके इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ में PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने आपके जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से इस वेबसाइट में आपके सभी सामान मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ाई के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग इस वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का नाम है boardparikha.com या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख पा रहे, हड़प्पा टीले का उल्लेखन सर्वप्रथम 1826 में किसने किया। चार ऑप्शन देख पा रहा हूँ यहाँ पे, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, राइट ऑप्शन आपको यहाँ पे एक सुविधा मिलेगा अगर आप लोग इस वेबसाइट में आते हैं तो। यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, साथ में नीचे में आपको आंसर का यहाँ पे जो लोगो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग इसमें क्लिक करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा क्या इसका आंसर होगा। चार ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, आंसर में हम क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स मैसन, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, चार्ल्स मैसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन जोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहन जोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने की। चार ऑप्शन देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, देख पा रहे होंगे राखल दास बनर्जी। किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी, कब, 1922 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है मिला है, यानी कहाँ पे मिला है सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोग पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है हल का प्रमाण मिला, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार रिपीट होते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या फिर कालीबंगान। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन रहेगा कालीबंगान, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, चार नाम दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, अर्नेस्ट मैके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और साथ में ये जो कई बार रिपीट होते हैं, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आप मान सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये चार ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्लिक करेंगे तो आंसर दिखा देगा लोहा, कौन ऑप्शन हो गया राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लोहा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हिंदी है, सिंधु, सिंधी है, उर्दू, फारसी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अगली बार पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंधी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कालीबंगान स्थित है, यानी कालीबंगान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, सिंधु है, बंगाल, सिंधु में है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन, काफ़ी बार ये भी रिपीट होता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राजस्थान, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की राय बहादुर दायम सहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ये काफ़ी जितने भी क्वेश्चन में लिया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ये आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा था, हर बार मैंने एक एक अलग से पूछा था, जैसे जितना मैं पे अगर मान लो 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं तो इसमें से आपको टोटल 5 या 6 क्वेश्चन हर ईयर, मतलब प्रत्येक साल आपको देखने को जरूर मिलेगा। आप यहाँ से इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए और देखिएगा, आप जितना भी क्वेश्चन पिछले 10 साल का क्वेश्चन में उठा कर दीजिए, हर साल जो है 10 से क्या कहते हैं, इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, जितना मैं क्वेश्चन इसमें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से एक बार रिपीट कर लीजिए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप लोग इस वेबसाइट में आकर के टेस्ट भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पहले वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर आके आप देखिए कि कितना आप सही बना पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन जो है सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। ऑप्शन का आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन शिव, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके महाकालीन नहीं मानी जाती, यानी कौन सी किसके यानी महाकालीन नहीं मानी जाती है। ऑप्शन का आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर देखेंगे क्या जाएगा आंसर इसका, क्रीट की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी क्रीट की सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है। और ये जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लिया आप लोग क्या कहता है। यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, पूर्व पाषाण युग है, उसके बाद नव पाषाण, उसके बाद लौह युग, कांस्य युग। तो ये जो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीट भी होता है, तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांस्य युग।
चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, यहाँ पे जो है कौन जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रखा था है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लीजिए ध्यान से आप लोग, चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी साहित्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, यानी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना की किसने की थी। ऑप्शन को आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहीं पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी विलियम जॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी किस प्रकार का प्रशासन था वहाँ पे। तो देखिए ध्यान से आप लोग ऑप्शन को, राइट ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, नगर पालिका जैसा, क्या होगा ऑप्शन नगर पालिका जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, यानी पहली बार जो हड़प्पा को उत्खनित किया गया उन्हें उसका खोजा गया था, उसके जो प्रमाण मिले थे वो कौन से वर्ष थे पहला। तो यहाँ पे काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। तो देखिए ऐसे होता है ईजी, क्या अगर आप लोग जिस क्वेश्चन को अधिक पढ़ते हो आपको ईजी लगता है, लेकिन ये जो है इसलिए इजी लगता है क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जो क्वेश्चन अधिक बार पूछे जाते हैं तो इंसान को लगता है कि ये बहुत इजी है, तो इसलिए हमको भी लगता है कि एक बहुत इजी है क्योंकि बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए देख लिया है। देखिएगा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 1921, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीपारा जो है कहाँ से मिलता है, सिंधु सभ्यता में जो गोदीपारा जो कहाँ से मिलता है। एक यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिया हुआ है, इनमें से कौन ऑप्शन राइट होगा, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन लोथल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली, यानी नृत्य मतलब डांस करती हुई जो लड़की थी वो उसकी मूर्ति जो कहाँ किस स्थल से मिली थी। ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन राइट की हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो इन दोनों क्वेश्चन में काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, एक बार आप लोग समझ लिए मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे स्थित है तो वह सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, बट हड़प्पा जो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी लोग हड़प्पा को सिंधु नदी के किनारे मतलब उससे कन्फ्यूज होता है कि हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, बाकी हड़प्पा कहाँ है तो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें काफ़ी बार मैं जो कमेंट नहीं मिलता है, इसमें जो वीडियो बनाए थे पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं हड़प्पा जो वो सिंधु की नदी किनारे या रावी के किनारे नहीं है। तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लीजिए, बाद में आप लोग आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा को कहा जाता है, इस शायद इस लिए भी लोगों को कहना है कि शायद सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, तो हो सकता है कि हड़प्पा सिंधु नदी किनारे होगा, तो नहीं ऐसा बात नहीं है, हड़प्पा जो रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। तो ये चीज़ आप लोग कन्फ्यूज को दूर कर लीजिए। क्वेश्चन अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत के जो किस भाग में विकसित हुई थी, ऑप्शन के बारे अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। तो क्या जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन जाएगा इसका पश्चिमी उत्तर, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लोथल जो किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन को देख लीजिए क्या ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी यानी भोगवा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार हम लोग शायद रिपीट भी कर चुके हैं ऊपर में। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो मिले किस वर्ष मिले, तो वो मिले थे 1922 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले, अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी, देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये जाएगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो एक बार अच्छी तरह से आप लोग ये बता दिया आपको शुरू में ही, तो क्या जाएगा यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, क्या हो जाएगा रावी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए, ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, तो यहाँ पे चार ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे पहले आप लोग और एक चीज़ बता दें, ये क्वेश्चन मैं जितने भी कवर करूँगा तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इस वीडियो को एक बार जरूर दोबारा देख लीजिएगा और अपने दोस्तों एक बार शेयर कर दिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। ये जो प्रति वर्ष आपको इसमें जितने भी क्वेश्चन करूँगा 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए और इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, तो इसके लिए आप अगर टेस्ट देंगे वेबसाइट में आकर के तो यहाँ पे आंसर जो
बटन दिया हुआ है इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आंसर दिखा देगा, तो आप लोग यहाँ से आपका रिवीजन भी जाएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। तो ये फर्स्ट का राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, जीवक वैद्य जो है वो किस वंश के काल में था। एक बार आप लोग अच्छी तरह से ऑप्शन को यहाँ पे देख लीजिए, चार ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में, तो क्या जाएगा राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन जाएगा इसका हरियक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत जो है किसने कराई, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। चार ऑप्शन इसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अशोक है, कनिष्क है, रुद्रदमन है और स्कंदगुप्त, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा रुद्रदमन, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप लोग को ध्यान से देखना है और एक बार आप लोग अपने से सोचना है कि क्या इसका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा इनमें से सभी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूनों को परास्त करने का श्रेय, परास्त यानी हराने का श्रेय जो है किसको दिया जाता है। एक बार आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ऑप्शन नीचे देख लीजिए, अशोक है, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त और नेपोलियन। राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। एक बार ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हिटलर है, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मोसोनी, अगर आप लोग को आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा इसका नेपोलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या जाएगा, चार ऑप्शन के माध्यम से राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रभावती गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, ऑप्शन को देखिए, मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल या फिर गुप्त काल। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सातवाहन काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप लोग इसको याद रखना है। ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एरन सागर है, गुर्जरा और मस्की, जूनागढ़, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एरन सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का प्राप्त मतलब विजय की जानकारी मिलती है। देखिए ऑप्शन को, प्रथम, पाँचवें, दसवें, तेरहवें, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तेरहवें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया। ऑप्शन को एक बार अच्छे से आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिए, चार ऑप्शन जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा इसका देवत राम कृष्ण भंडारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है, इनमें से जो कौन है मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। देखिए ऑप्शन को आप लोग, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, चारों में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन स्तंभ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडिका की रचना किसने की, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को आप लोग, कैटिलिन, मेगस्थनीज, अलबरूनी या फिर इत सिंह, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें इंडिका, तो इंडिका की रचना की थी मेगस्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की, ऑप्शन को देखिए, कालिदास है, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि, तो यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस जितने भी मैं क्वेश्चन को इंपोर्टेंट बताऊँ तो आप लोग उसको अच्छी तरह से ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा हरिसेन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया, ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन की जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फहयान, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा गुप्त काल, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुप्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करा कि अशोक किस वंश का शासक था, देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी मौर्य वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैटिल्य की कीर्ति है, यानी कैटिल्य जो है उसकी कीर्ति क्या है, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से यहाँ पे,
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार में से राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, यानी किस चीज़ से होती है समुद्रगुप्त की जानकारी। ऑप्शन यहाँ पे चार जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे चारों में से क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, प्रयाग प्रस्थि, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, या काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, नवरत्न जो है वो किस शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे नीचे में देख लीजिए अच्छी तरह से, कह रहा है कि अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार इनमें से कौन है, ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, तो चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कालिदास, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग परिस्थिति के संबंध जो है किस गुप्त शासक से है, प्रयाग परिस्थिति का संबंध किस गुप्त शासक से है, ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, तो चार में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत जो है किस शासक ने की, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका अशोक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, अशोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, मौर्य काल के टक्सोल का प्रधान कौन था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य काल के टक्सोल का प्रधान कौन था, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चार ऑप्शन इसे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, लक्षणाध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है, ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से, मौर्य काल की, गुप्त काल की, कुषाण काल की या फिर इनमें से सभी, क्या हो जाएगा इसका, मौर्य काल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया, ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देखिए यहाँ पे एक बार, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा अशोक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, आंसर मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया, देखिए ऑप्शन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, तो राष्ट्रकूट इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या जो है कितनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो मैं जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा, और इसका PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसमें जाकर के आप लोग एक बार रिविजन जरूर कीजिए ताकि इससे आपका प्रैक्टिस हो सके। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा अगले वीडियो में कौन कौन इसका आंसर सही दे पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, कैटिले, यानी जिसको चाणक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, वज्जी को जो है सामाजिक ग्रंथ में क्या कहा गया है, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गणतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते वो किस चीज़ के बने होते थे, ऑप्शन को देखिए यहाँ पे एक बार, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी और सी, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर बी में चांदी है और सी में क्या है, तांबे के, चांदी और तांबे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, एक बार अच्छी तरह से ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा इसका, उदय भद्र द्वारा, किसके द्वारा, तो उदय भद्र द्वारा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था,
ऑप्शन देखिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर काफी एक बार कम्युनिटी पोस्ट में किया काफी लोग गलत बताए थे। आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। क्वेश्चन अगला कि फयान किसके शासनकाल में भारत आया था, फयान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किस शासक को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, समुद्रगुप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। कह रहा है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 102 में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी, अंबा कोमा अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से चार ऑप्शन दिए हुए आपके सामने, तो राइट ऑप्शन की क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन में ये बात करेंगे तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विचित्र वीरी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप लोग टेस्ट देंगे तो यहाँ पे जो आंसर का बटन दिया हुआ है आप लोग इसमें क्लिक करेंगे तो आपको आंसर शो कर देगा, तो आप लोग वहाँ से आप जान पाएंगे, और डायरेक्ट आंसर नहीं देगा ताकि इससे आपका टेस्ट हो सके कि कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, यानी कौन थे इनमें चारों में से, ऑप्शन वो अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा ऑप्शन डी जगह, ये सभी जो है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घटोत्कच किसका पुत्र था, घटोत्कच जो था ये किसका पुत्र था, ऑप्शन देखिए युधिष्ठिर है, अर्जुन है, दुर्योधन है, भीम है। तो यहाँ पे चारों में से कौन होगा आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी भीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह संपन्न किया, यानी पूरा किया, भीम जो है हिडिंबा के साथ विवाह जो किया था, विवाह बहुत जो है इन चारों में से ऑप्शन में से कौन सा विवाह होगा आप लोग देख पा रहे होंगे, आरसीवी है, उसके बाद गंधर्व है, राक्षस या देव। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा बी हो जाएगा, यानी गंधर्व है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया, तो गंधर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्रौपदी जो किसकी पत्नी थी, द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, ऑप्शन देखिए अर्जुन है, उसके बाद नकुल है, सहदेव है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे चारों में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी द्रौपदी जो है इनमें से सभी की पत्नी थी। आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किया, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है किसने विचार व्यक्त किए। तो ऑप्शन यहाँ पे देखा दिया आपके सामने, महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, बाल गंगाधर तिलक और इनमें सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी ये पूछा भी है, रिपीट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे 10 दिन दिया हुआ, 12 दिन, 18 दिन या फिर 20 दिन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगापुत्र जो है किससे कहा जाता था, गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता था, ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे चारों में से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता था, किसे कहा जाता था, भीष्म को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वरिष्ठ पुत्र सत्कर्णी ने विवाह संबंध जो है किस वंश के साथ जोड़े। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को दिया हुआ, शक है, उसके बाद पहलू है, उसके बाद कुषाण और हुन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी शक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से, नीचे में दिया हुआ ऑप्शन क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। देखिए यहाँ पे आदि पर्व है, भीष्म पर्व है, शांति पर्व है, इनमें से सभी है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति पर्व है। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद के पुरुष संयुक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उसके बाद क्या कहते हैं वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी शूद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चंदाल चंदाल और श्रीप्य माने जाते थे, जब भी वह नगर में जाते थे तो उन्हें लड़की की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके, यह कथन किसका है। चंदाल जो है एक अश्रीप्य माने जाते थे, ये शायद खतरनाक होंगे, जो कि आने से पहले वो लड़की की आवाज़ करते थे ताकि लोग सतर्क हो जाए और उसे देखने से बच जाए। तो ये कथन जो किसका था, ऑप्शन देखिए चार ऑप्शन दिया पे, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फयान।
आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्योधन की माँ जो है कौन थी, दुर्योधन की माँ कौन थी, ऑप्शन को देखिए, गंधारी है, कुंती है, माद्री है, उसके बाद सत्यवती है। तो राइट ऑप्शन की बात करते हैं क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर ए गंधारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। ऑप्शन को देखिए एक बार आप लोग अच्छी तरह से ऑप्शन को पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मानेश्वर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत की रचना जो किस भाषा में हुई, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई, ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से। तो राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संस्कृत, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है महाभारत की रचना जो है किसने की, महाभारत की रचना ये भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की, वाल्मीकि, मनु, उसके बाद दिया हुआ याज्ञवल्क्य और वेद व्यास। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी वेद व्यास। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करा कि मनुस्मृति में जो है कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, उत्तर वैदिक काल के अंत तक जो है किसकी पूजा होने लगी, ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, सांची जो है इस सांची में स्तूप है जिसको संरक्षित रखने में अहम भूमिका किसकी थी। देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन आपको समझने में दिया हुआ है तो अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी की, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे तीनों की अहम भूमिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर कह रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सांची जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, बट वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो आप लोग को चुनना है। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रायसेन, कहाँ तो हो जाएगा रायसेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फाइव कह रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, यानी कौन इनमें से जो है गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ऑप्शन को आप अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है किस शासक के काल में हुई थी, ऑप्शन को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए यहाँ पे, अजातशत्रु है, कनिष्क है, अशोक है और कालाशोक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कनिष्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान जो है किस धर्म में है, संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कवर करूँगा काफ़ी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, या फिर आप लोग इसका टेस्ट सीरीज या PDF आप लोग वेबसाइट से जरूर डाउनलोड कीजिए ताकि आपका अध्ययन हो सके, जहाँ भी कितने भी क्वेश्चन करूँगा कि बोर्ड एग्जाम के काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हाँ, इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी जैन धर्म में, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर एट कर रहा है कि नाथ क्या कर रहा है कि नाथ मुनि का संबंध जो है, यानी नाथ मुनि जो है किस इससे सॉरी कौन से धर्म से संबंध है, यहाँ पे धर्मों के जो नाम दिए हुए जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाथु मुनि होना चाहिए शायद, तो यहाँ पे नाथ मुनि है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाथ मुनि का संबंध जो कहाँ किस धर्म से है, तो वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है क्या कह रहा है कि कालिदास उसके बाद भावभूति संबंधु एवं वानभट्ट आदि जो है किस धर्म के अनुयायी थे। देखिए धर्म के नाम जो आप दिए हुए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शैव धर्म है। आगे कुछ अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध जो है किस धर्म से है, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी शैव मत। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, 11 क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कपालिक। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि वानभट्ट ने गन ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, वानभट्ट ने कंदाबिनी गन ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन यहाँ पे चार दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पशुपत। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बोधगया में, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है। ऑप्शन वो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो चार में से राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी, तो ये हाइड नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी होगा उसका। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वीर सैव आंदोलन जो है वीर सैव आंदोलन का जनक जो है कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो बास बनना यानी ऑप्शन नंबर सी उसका राइट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए। बौद्ध परंपरा में अशोक जो है स्तूप जो बनाए थे उसकी संख्या कितनी थी। ऑप्शन को दिख लीजिए ध्यान से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी जो है 84,000, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से कह रहा है कि हिनायु पुस्तक किस भाषा में है। हिन यानी पुस्तक जो है वो किस हिन यानी है, तो हिन यानी पुस्तक जो है किस भाषा में है। तो ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए ध्यान से राइट ऑप्शन क्या होगा, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पाली भाषा में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 कराया कि धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है। धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन को देखिए ध्यान से। तो चार में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म। चल आगे बढ़ते क्वेश्चन कराया कि बौद्ध का बचपन का नाम क्या था। बौद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था, ऑप्शन को आप अच्छी तरह से देख लिया यहाँ पे, चार ऑप्शन दिया आप समझ में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सिद्धार्थ। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ हुआ, ऑप्शन को देख लीजिए आप अच्छी तरह से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी पाटलिपुत्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है जन्म स्थान कहाँ है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से आप लोग। तो चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा यानी महावीर स्वामी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। आगे क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो किस शासक के काल में हुई थी, ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अजात शत्रु। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। आगे क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ है। प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ऑप्शन को देखिए, चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी नालंदा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य जो संबंधित है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे संबंधित है, चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हीनयान, यहाँ पे हीनयान होगा, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन दिखे यहाँ पे ध्यान से, चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि स्तूप संबंधित है, स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी बौद्ध धर्म से। चलो क्वेश्चन 28 कह रहा है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शना का विवाह जो है किससे हुआ, ऑप्शन को देख लिया आप लोग ध्यान से, चार ऑप्शन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी जमाली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कराया कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जुड़ा। तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को जुड़ा होगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रह्मचर्य। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कराया कि पुराणों की संख्या जो कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा यानी 18। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 31 कराया कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, यानी इनमें से किस जगह पर अशोक द्वारा प्रचार किया गया था बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हो पाया। तो राइट से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ब्रिटेन। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 32 कराया कि महावीर का जन्म जो है हुआ था, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कुंडलवन में हुआ था, जो कि वैशाली में पड़ता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा यानी अशोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन कहता है कि चौथी बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत जो है किस शासक के काल में हुई थी। चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कनिष्क ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास जो है लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा जो कहाँ थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख पा रहे हैं सब लोग, चीन है, यूनान है, रोम है, इंग्लैंड है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग चार ऑप्शन दिया होगा, नीचे में आप लोग आंसर का बटन देख पा रहे, जैसे मैं आंसर में क्लिक करूंगा तो आपको वहाँ पे आंसर दिख जाएगा। यहाँ पे भी आंसर आपको दिया हुआ है, आंसर ए चीन, बट जैसे आप लोग क्लिक करेंगे वहाँ पे तो आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ पहले से आपको, यहाँ पे ऐसे रहेगा आंसर, जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे दिख जाएगा आंसर क्या है, तो आंसर क्या होगा इसका, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो उसके अनुवादक थे क्या थे, सभी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं, वेबरिज, ब्लॉकमैन, उसके बाद जेरेट। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन देख पा रहे कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। यहाँ पे किया नीचे में हो गया, तो देखिए चार ऑप्शन आपने दिया होगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो चार ऑप्शन में से देखिए ध्यान से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इसका टेस्ट एक बार जरूर लगाइए ताकि आपसे प्रैक्टिस हो पाए कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। और यहाँ पे राइट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अकबर ने तंबाकू सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पूरा कराया कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। ऑप्शन दो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग, बाबरनामा है, अकबरनामा, जहांगीर नामा और सभी। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी अकबरनामा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फाइव कराया क्या करा, देखिए ध्यान से कराया कि शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। ऑप्शन को अच्छे से आप लोग देख लीजिए और दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शिकार के समय रास्ते में पकड़ने वाले गाँव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट में सर्वप्रथम प्राप्त की। ऑप्शन को देख लीजिए ध्यान से, तो चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पे ए हो जाएगा, यानी अकबर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन अकबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करा, क्वेश्चन नंबर सिक्स करा कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, दिया हुआ आपके सामने, अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है। तो चार ऑप्शन दिया आपके सामने में, तो राइट ऑप्शन की बात करें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जहांगीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सेवन कराया कि साम्राज्यवाद इतिहासकार इनमें से कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी बदायूनी, सॉरी बी यहाँ पे डब्ल्यू एच मॉरलेन होगा, यानी बी इसमें हो जाएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी शायद उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पे डबल हो गया। तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप मैनेज कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन एट कराया कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया, यानी भारत में जो तंबाकू का पौधा जो लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा, इंग्लैंड से, या फिर हूनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, या फिर अरबों द्वारा। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अच्छी तरह से ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी पुर्तगालियों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन नंबर नाइन कराए कि आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, यहाँ पे बांटा था। तो चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन है दो भागों में, पांच भागों में, चार भागों में, छह भागों में। तो भाई अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी यार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आईने अकबरी को यहाँ पे सी नहीं होगा, पांच भागों में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नौका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आईने अकबरी, सॉरी भूमि पूछा है यहाँ पे, आईने अकबरी को कितने भागों में, तब पांच में, तो यहाँ पे चार भागों में राइट आंसर सी ही होगा। यहाँ पे अगर पूछता है कि आईने अकबरी को कितने भागों में बांटा गया, तो आईने अकबरी को बांटा गया पाँच भागों में, बाकी भूमि को कितने भागों में, आईने अकबरी में कितने भागों में मतलब बांटा गया, सॉरी भूमि को कितने भागों में बांटा गया, तो आईने अकबरी में, आईने अकबरी के अनुसार भूमि को चार भागों में बांटा गया, ऑप्शन क्वेश्चन का सी राइट ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन 10 करा कि सन 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी, यानी इस समय भारत की आबादी लगभग कितनी बढ़ी थी। ऑप्शन को देख लिया यहाँ पे ध्यान से, 6 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। तो चार ऑप्शन दिया आपके ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी 5 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कराया कि अबुल फजल किर्त आईने अकबरी में किस शासक का वर्णन है। अबुल फजल किर्त आईने अकबरी में किस शासन का वर्णन है।
तो शासन देखो शासक हो जाएगा कि शासक का वर्णन है, तो चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो क्या जाएगा राजस्व की आपके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर, अबुल फजल, किरतायन, अकबर एम के शासक का वर्णन है, तो अकबर का ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अकबर से क्वेश्चन नंबर 12 करा है, क्या कर रहा है देख पाएंगे कि अकबरनामा की रचना किसने की, अकबरनामा की रचना किसने की, ऑप्शन को आप लोग देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अमीर खुसरो, अलबरूनी, इबन बतूता, अबुल फजल। तो चार ऑप्शन दिया क्वेश्चन, चार ऑप्शन राजस्व व्याकरण क्या होगा, आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी अबुल फजल क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या कहा देख पा रहे, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने आरंभ किया, एक बार अच्छी तरह से आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है इब्न बतूता है, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक है और रजिया है। तो चार ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या राइट ऑप्शन होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट भी क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बाकी अगर पूरा तैयार किया था तो वो क्या था, इल्तुतमिश, यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, इस राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, अकबर का वित्त मंत्री जो था वो कौन था, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है देख पा रहे हैं ऑप्शन को, तो देख लीजिए राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी टोडरमल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से 15 क्वेश्चन कर रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, आईने अकबरी कितने भागों में यानी बटा हुआ है, जैसे कि आपको बताए थे पहले ऊपर में आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, वहाँ पे भूमिका में बताया गया था आईने अकबरी में अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया, वो था वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी पाँच भाग, जैसे मैं आप लोग को ऊपर में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आईने अकबरी जो है किसने लिखा, आईने अकबरी किसने लिखा, ध्यान से ऑप्शन को देख लिया आप लोग, बाबर है, उसके बाद क्या है फैजी, अबुल फजल, उसके बाद बदायूनी, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी 16 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अबुल फजल। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। मुमताज एवं शाहजहां, यहाँ पे शाहजहां जो है मिसप्रिंट हो गया, आप लोग कवर कर लीजिए, मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था, यहाँ पे देखिए ध्यान से चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जैसे देख पा रहे होंगे जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और ये सभी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, जैसे आप लोग वेबसाइट में भी आएंगे वहाँ पे टेस्ट देने के लिए, तो यहाँ पे एक आंसर का बटन देखने को मिलेगा, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आप लोग सिंपली इस आंसर में क्लिक करना, आपको आंसर दिखा देगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि हुमायूं का जो भाई वो कौन था, यहाँ पे चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन सही होगा, हुमायूं का भाई कौन था, देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग अच्छी तरह से, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी ये सभी कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये जो सभी जो है हुमायूं के भाई थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है कि मुगलकालीन चित्रकला जो है किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुँची, यानी मुगलकालीन जो चित्रकला थी वो किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, देखिए ऑप्शन हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर और शाहजहां। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जहांगीर राइट ऑप्शन होगा, मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो जहांगीर ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी। अगर आप लोग इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको एक बेल का आइकन दिखाई, जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड में, तो इस बेल आइकन पर आप लोग प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड, मतलब सॉरी पोस्ट अपलोड किया जाए तो, देखिए चलिए उसके अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहा हूँ क्या कह रहा है कि रज्मनामा के नाम से जो है किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था, रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था, एक बार अच्छी तरह से अपने ऑप्शन को देख लीजिए यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी महाभारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, गुलबदन बेगम ने जो किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था, देखिए ध्यान से ऑप्शन, अकबर दिया हुआ है, हुमायूं दिया हुआ है, बाबर दिया हुआ है और अबुल फजल दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी अकबर, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा, तो अकबर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गया, देखिए कह रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा, बादशाहनामा जो है किसने लिखा, देखिए ध्यान से फैजी है, अबुल फजल है, उसके बाद अब्दुल हमीद लाहौरी है, निज़ामुद्दीन अहमद है, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यस्सा जो कि राजकीय नियम है ये किसने लागू किया था, देखिए ध्यान से ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, यस्सा ये क्या है, ये एक राजकीय नियम है, वो लागू किसने किया था, तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चंगेज खान, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चंगेज खान। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, देखिए ध्यान से ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हेनरी बेवरेज, क्या हो जाएगा, हेनरी बेवरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कर रहा है कि
लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी? लाडली, यहाँ पे लाडली हो जाएगा, लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी? देखिए नूरजहाँ दिया हुआ ऑप्शन में, मुमताज़ है, आसमा बेगम और जहाँ आरा। लाडली बेगम जो है किसकी पुत्री थी? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नूरजहाँ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नूरजहाँ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सिकरी को जो राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर बाबर? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अकबर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करा है कि दरबार में अभिवादक का तरीका निम्न में से कौन सा था? दरबार में अभिवादन का तरीका जो है इनमें से कौन सा था? देखिए ध्यान से, कॉर्निक, सजदा, पायबॉस, ये सभी। तो देखिए इनमें से चारों में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन 11 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलाइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 1581। क्या होगा? 1581 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चला आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दारा एवं शाहजहाँ के पास जो आगरा में रहती थी वो कौन थी? दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी कौन थी? देखिए यहाँ पे जहाँ आ रहा है, रोशन आ रहा है, गेहूँ आ रहा है, गोहर आ रहा है या फिर ये सभी। तो यहाँ पे 13 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 13 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जहाँ आ रहा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देख रहे हैं दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जो किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी जहाँ आ रहा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बाबा चंगेज खान का जो है कौन सा वंशज था? बाबा चंगेज खान का कौन सा वंशज था? ऑप्शन को एक बार अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखो आप, पाँचवा है, सातवां है, बारहवा, चौदहवां। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौदहवां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कराए गुलबदन बेगम कौन थे? गुलबदन बेगम जो कौन थी, नर्तकी थी या फिर गायिका, लेखिका या फिर नायिका? तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी गुलबदन बेगम जो है एक लेखिका थी। क्वेश्चन नंबर 17 कराए कि अकबर का संरक्षक बनकर जो है किसने शासन किया? काफ़ी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा कौन किया था, वो बैरम खान ने किया था। ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलाइए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम जो कितने का जो है मनसबदार बनाए गए? अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? ऑप्शन को आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 12,000। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो अंतिम क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मोहम्मद शाह। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह, सॉरी मोहम्मद शाह नहीं होगा यहाँ पे, बहादुर शाह जफर होगा। भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, आंसर थोड़ा मिस हो गया, तो आप लोग इसका ध्यान मत दीजिए। आप यहाँ पे क्या होगा, बहादुर शाह जफर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन की तरफ क्या करें, क्वेश्चन नंबर 20 कराए कि मुगल चित्रकला किसके समय चारमोत्कर्ष पर पहुँची थी? मुगल चित्रकला जो है किसके समय पर चारमोत्कर्ष पर थी? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि तुजक ए जहांगीरी की रचना जो है किसने की? तुजक ए जहांगीरी की रचना जो है किसने की? ऑप्शन को अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगी, यानी जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 का कह रहा है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए बाबर है, हुमायूं है, अकबर है और जहांगीर है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, बाबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि तुजक ए बाबरी जो है किसने लिखी? तुजक ए बाबरी किसने लिखी? बाबर है, फैजी है, अबुल फजल, हुमायूं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं, बाबर खुद ने लिखी थी, तुजक ए बाबरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अकबर का वजीर था, इनमें से जो कौन था जो अकबर का वजीर था? देखिए ऑप्शन को, बैरम खां, मुनीम खां और टोडरमा अब्दुल रहीम। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं, बैरम खां जो है अकबर का वजीर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा है कि मुमताज़ महल जो है किसकी पुत्री थी? मुमताज़ महल वो है किसकी पुत्री थी? आसिफ खां की, बैरम खां की, व उसके बाद महावत खां या फिर अब्दुल रहीम? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 25 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आसिफ खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करा है अकबर के समय, सॉरी, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर के समकालीन इतिहासकार जो है कौन था? देखिए ध्यान से ऑप्शन को आप लोग।
तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी बदायूनी, क्या जाएगी बदायूनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अकबर जो है निम्न में से जो है किस पर अधिकार नहीं कर सका। यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कौन सा ऐसी जगह है जहाँ पर अकबर ने अपना अधिकार नहीं कर सका। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चित्तौड़ पे। कहाँ पे? तो चित्तौड़ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, आलमगीर के नाम से जो कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। इनमें से ये भी काफ़ी बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी औरंगजेब। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चला आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि आयने अकबरी जो है किसकी रचना है। आयने अकबरी जो है किसकी रचना है, अबुल फजल, अकबर, फैजी या फिर अब्दुल रहीम खान खाना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, यानी अबुल फजल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का अगर देखिए, आयने अकबरी जो है कितने भागों में विभक्त है, यानी बटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी जो है यानी पाँच। आयने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो पाँच हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 31 कराए कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम जो भाग बिताया कहाँ पर बिताया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 32 कराए कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है। ये भी इजी क्वेश्चन है, बट ये भी कई बार पूछे गए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित कहाँ पे है, तो वो है अजमेर में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कराए कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास जो है किस समय में हुआ था, यानी अधिकतर हुआ था, वो हुआ था शाहजहाँ के काल में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी, नहीं जहांगीर काल में। ऑप्शन नंबर स्थापत्य कला नहीं, बस साझा होगा, बट यहाँ पे शायद मिस। तो आप लोग कन्फर्म कर बताइए 33 का क्या आंसर होगा। मुझे जानता है कि साझा आंसर होगा, लेकिन शायद यहाँ पे मिसप्रिंट हो सकता है। स्थापत्य कला के सर्वाधिक विकास जो हुआ था वो साझा के समय, उसी समय जो है अधिकतर क्या कहते हैं भवन बनाए गए, जैसे आप लोग को पता होगा ताजमहल, मस्जिदें, इमारतें। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे बी दिया हुआ, तो आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी 1526 को प्रथम हुआ था। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। दीन इलाही जो है संबंधित है, ये किससे संबंधित है, तो देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अकबर से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 36 का अगला देखिए ध्यान से, कराया कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। देखिए ध्यान से, आप चार ऑप्शन ऑप्शन में दिया हुआ, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरकार। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 के अगला देखिए ध्यान से, कराया किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था। तो किसने हटाया था, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन आप लोग, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जहांगीर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। तो यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए कवर किया हूँ, जो कि काफ़ी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को आप लोग दोबारा जरूर देखिएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो सके, और प्रैक्टिस के लिए आप लोग boardparikha.com एक वेबसाइट है, ठीक है, उसमें जरूर विजिट कीजिए। देखिए आप लोग अभी देख पा रहे होंगे boardparikha.com, और वहाँ पर जाकर के आपको बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड कई सारे पोस्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से PDF या भी मोटे पेपर या भी कोई भी नोट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिए boardparikha.com, और बाकी यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इस वीडियो को जो भी बनाया, अगर आपको उसका PDF लेना है फिर प्रैक्टिस करना है, तो लिंक में क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट उस वेबसाइट में पहुँच सकते हैं। तो चलिए यहीं तक मैं कुछ भी जो भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बनाया हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला वाला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उसको भी इससे बेनिफिट मिल सके। मिलेंगे नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।